बात समझ में आ गई, ये दुआ हो। अब्राहिम ने पट्टी बांधी, बेटे के ब्याह में पट्टी बांधी, चूड़ी चला रहे हैं रेशम से नाजुक ये चमड़ी, दुनिया की सबसे तेज तर्रार चूड़ी, मगर कटने को तैयार न। गुस्से में जलाल में इब्राहिम अलैहि सलाम ने पत्थर पे छुरी मार दी तो पत्थर दो टुकड़ा। दुआ किया इब्राहिम ने, अल्लाह ये तेरा कौन सा करिश्मा है, पत्थर कट रहा है मगर मेरे इस्माइल की गर्दन ना। अल्लाह ने सबान अता फरमाई, कुव्वत गोयाई छुरी के अंदर आई और छुरी ने आवाज लगाई, अरे यहाँ तड़पना चाहिए मेरे यार, तड़प के तड़प के तड़प के। ये कुछ मिजाज बोलने का तो सुना कीजिए, मैंने वो आदमी, मैं वो पति हूँ, मिनटों में आदमी चौथा आसमान चौ जाता हूँ, मगर वो नाजुक टाइम है, मिलाप करीब की मछली है, मिजाज में आया कि कुछ सिखा दूँ ना दूँ, तो आप लोग मटियाए हुए मटियाइए। देखिए ताजुब है, मैं ताजुब है कि नहीं, और नबी का दीवाना महफिल में बैठा हो, नबी का नाम सुने और सुभान अल्लाह ना बोले, आजू है नबी का दीवाना है, नबी की बात सुन ले तड़प के बोल रहा, तो या रसूल अल्लाह और जी लगा के या रसूल अल्लाह। तो छुरी ने कहा इब्राहिम तू एक बार बोलता है काट, अल्लाह सौ बार बोल रहा ना काट। तो मालूम है क्यों नहीं कट रही थी चमड़ी इस्माइल अलैहि सलाम की, ये दुआ कबूल हो गई थी इब्राहिम की कि आखिरी नस्ल, आखिरी नबी तो हमारे नस्ल से अल्लाह पैदा करेगा और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की नस्ल से मुस्तफा जाने रहमत पैदा होगा, हजरत इस्माइल की नस्ल से पैदा हुए। अल्लाह फरमाता है पुराने पाक में भी नसीब, हाँ वो जिबे अजीम है, एक जिबा मीना में एक जिबा करबला में, बोलो सही है गलत, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ बाप ने बेटे को कत्ल किया है इस्लाम को बचाने के लिए, अगर नबी के नूर को बचाने के लिए, अगर उस दिन हजरत इस्माइल ज़बह हो जाते तो नबी का नूर, फिर नबी आते किस नस्ल से, दुआ जो अल्लाह ने कबूल की थी। और करबला में हुसैन अगर शहीद ना होते तो आज इस्लाम कैसे बचता, मेंबर कैसे बचता, मस्जिद के मीनार कैसे बचते। इसलिए हुसैन हुसैन का नारा लगाने वालों और मुहर्रम में तड़पने वालों, सिर्फ नारा लगाने से और सिर्फ तड़पने से तुम हुसैनी नहीं कहलाओगे, इमाम हसन हुसैन जन्नत के सरदार है और जन्नत में वही जाएगा जो हुसैन के वफादार है। इसलिए हुसैन ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, आज हुसैन का गुलाम कभी नमाज नहीं छोड़े। 21 तारीख या 20 तारीख को चांद नजर आएगा ना, हाँ इसीलिए हमारा 18 का टिकट बना हुआ आपके दुआरे, हाँ ये लॉकडाउन में भी गौस का फायदा है, बगदाद भी हम गए थे हमारा के आने के बाद, देखिए अल्लाह करम 1 से 10 मुहर्रम विशाखापट्टनम में हम पढ़ेंगे, ये अल्लाह का एहसान है। इसलिए अगर उधर लौटने के बाद 10 के बाद अगर कहीं प्रोग्राम हो तो तकरीर कराइएगा, शहादत को सुनिएगा, नमूना हम पेश करके जा रहे हैं, सब लोग हाथ उठाइए और तड़प कर बोलिए या हुसैन, हाथ जोर लगा के या हुसैन। हुसैन का नाम लेना ही इबादत है, हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। अली असगर रजी अल्लाह ताला अनु की शहादत आप बहुत सुने होंगे मौलाना ताहिर साहब से, मौलाना सईद साहब से, हुरमला का तीर जब फजाओं को चीरते हुए खलाओं को चीरते हुए आया और हुनको में अली असगर में फेमस हो गया, तो अली असगर का खून आसमान की तारीफ करने लगा, अली असगर के नीचे अपनी हथेली इमाम हुसैन ने लगा दी, अली असगर का खून जमा हो गया, अली असगर के खून को ही बाप ने सोचा, आसमान में इतना अली असगर ने अगर खून आपके मुकद्दस हाथों से आसमान की जानिब आ गया तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन ने सोचा इस खून को जमीन पे डाल दूं, जमीन पे
जिंदाबाद। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेना ही हिफाजत है, इसलिए जवानों मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है। सिर्फ डंका बजाने के फेरा में मत रहो, सिर्फ तमाशाई मत बनो, सिर्फ बंदर और हनुमान बन के खेल कूद में वक्त को साय न करो, बल्कि पूरे मुहर्रम हो सके। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, बूढ़े तुम भी सुनो, दस रोज अगर हो सके तो रोजा रखो, दस रोज ना हो सके तो कम से कम दस और नौ और दस मुहर्रम को रोजा रखो। गरीबों को कपड़ा दो, यतीमों को खाना दो, प्यासों को पानी पिलाओ, ताकि हिंदुस्तान वाले देखे और कहे कि जब इमाम हुसैन का मानने वाला इतना वफादार है तो नबी का मानने वाला कितना वफादार है। जब हुसैन का आशिक कैसा है तो नबी का आशिक कैसा होगा। इसलिए हमें भी अफसोस, मुझे भी है, हमें भी कलक है कि आपको हम तकरीर मन भर न सुना सके और आप सुन न सके, मगर एक पैगाम, आखिरी पैगाम आप सबको के नाम, अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को, अपने किरदार को नबी की सुन्नतों में ढाल दो। चेहरा बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, दिल बोले नबी नबी, हरकत बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, और जब नबी की सुन्नतों पे अमल करके जाओगे साखा बारा के सुन्नी दिया लो, तो देखने वाला देख कर कहेगा ये जो कहने वाला जा रहा है कोई दुनिया बार नहीं जा रहा है, आशी के हवदे मुस्तान जा रहा है, मौत का दीवाना जा रहा है, माजा का मस्ताना। और अपने भाई से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने पड़ोसी से, अपने पुतिया से, अपने मोहल्ले बगल वाले से, अपने मुल्क वालों से कभी लड़ाई झगड़ा ना करो। हाँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो नबी फरमाते हैं कि दूसरे को गाली गलौज ना करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के पेड़ पौधे को ना काटो। आज दुनिया की सरकार कह रही है पेड़ लगाओ देश बचाओ, आज मुल्क वाले कह रहे हैं बच्ची पढ़ाओ पिटियाँ पढ़ाओ, हाँ, और सुरक्षा करो। आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के पेड़ पौधे को न काटो। आज कह रहा है कि शिक्षा दो बेटियों को, 1500 साल पहले मेरे नबी ने कहा था उतलबुल इल्मा मिलल महदे एलल हद, उतलबुल इल्मा लोकाना बिसीर तलबुल इल्मा फरजतुना कुल मुस्लिमिन व मुस्लिमा उतलबुल इल्मा लोकाना बिसीर। ये तालीम के हवाले से मेरे नबी ने 1500 साल पहले फरमाया था, इल्म हासिल करो माँ के पेट से कब्र की आखिरी मंजिल तक इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े इल्म हासिल करो, चाहे इल्म हासिल कर, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। मेरे 1500 साल पहले बेहतर कौन है, आज समाज में हम लोग कहते हैं, आज समाज वाले कहते हैं बेहतर वो है जो पैसा कमाता है, बेहतर वो है जो ठेकेदार है, बेहतर वो है जो एमएलए है, बेहतर वो है जो एमपी है, बेहतर वो है जो पैसा वाला है, मगर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी से पूछो या रसूल अल्लाह दुनिया में बेहतर कौन है, तो नबी फरमाते हैं खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। इलाके में बवाल चला है, माँ बाप जब खाने के लायक रहेगा बेटा लोग नहीं पूछेगा कि अम्मी आज झूठा खाइएगा, अम्मी आज रसगुल्ला खाइएगा, अम्मी आज पेड़ा खाइएगा, अम्मी आज कालाकंद खाइएगा, नहीं पूछेगा। और जब बुढ़ा जाएगी और लाल लंबी लंबी सांस लेगी तब बेटा आएगा बोले अम्मी एक पीस ये एक पीस खाइए ना बड़ी दीदी लाई है, तो आखिरी आखिरी टाइम में वो झाड़ वाला सरक के मरे माँ गलत कह रहे बोलिए, हम अपनी आंख से देखे हैं, इसलिए हम बोलते हैं पूरे मुल्क में खुदा के वास्ते माँ अगर जिंदा है तो इबादत समझ के खिदमत करो, माँ अगर बाप जिंदा है तो खिदमत करो। मैं वादे के साथ ऐलान करके जाता हूँ सखा बारा वालों के सारी
तुम्हारी माँ की दुआई अगर आंचल उठा के तेरी माँ दुआ करती ना, कसम खुदा की दुनिया बदल सकती है मगर माँ की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। मगर बेटा तो ठीक रहता है जब तक गुनगुना नहीं आती है। समझे मैडम? मैडम मैडम नहीं समझते आप लोग? अरे होम मिनिस्टर, जब तक शादी नहीं निकाले पढ़ाए हमारी अलाज हमारा दुल्हन का बेटा ठीक। बाजार गया, फोन मोड़ बोलता है गरम गरम लाया सिंघाड़ा समोसा, गरम गरम रसगुल्ला माँ के हाथ में दिया। माँ अगर ना बोल सकी तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब रखे। और जैसे झुनझुना आ गई, आया समोसा सिंघाड़ा रसगुल्ला रसगुल्ला तो माँ के हाथ में नहीं, टेंडर ग्राउंड पास हो रहा। अरे पागल कहीं के, हम बोलते बीवी ना खिलाओ वो खिलाओ। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और हम क्या करते हम लोग? बीवी से खूब प्यार करो, खूब मोहब्बत, खूब खिला, मगर पहले माँ को खिलाओ। हम मना करते हैं रसगुल्ला लाना, चार बोला तो माँ तरफ ट्रांसफर होगा तो बीवी तरफ ट्रांसफर। अरे ये बीवी लोग की जो आती है कम सियानी नहीं है, ये लोग भी लड़का लोग को समझाना चाहिए। क्या क्या अजीब आदमी, खाली हम ही को ला खिला रहे, हम ही को नहीं दिए। लड़का दूसरे दिन देगा कि नहीं देगा, मगर लोग बोलती नहीं है। मगर हम तुम लोग से पूछना चाहते हैं, बताओ हमें, अगर माँ बाप नहीं होता, बेटा पैदा नहीं करता, तो तुम लोग क्या मर्द से शादी ब्याह करती? मैं बताई संपन्न बात है भैया, माँ बाप है तब बेटा है, अब बेटा है तब बीवी है। मुझे गलत बोल रहे? अब बीवी मर गई फौरन शादी, बोलिए माँ मर जाला ला ताकि देखा उसकी माँ। अरे चार बीवी मरेगी चार टिका होगा, ये गलत बोल रहे? आपके गाँव में भी हुआ होगा, आप लोग आइएगा नहीं मेरी बहन है। मिसाल देने वाला कोर्ट चतुर्वेदी पकड़ के लाया, हम लोग को मरवाना और मरद लोग को शादी करवाना। हमने मिसाल दे रहे एग्जाम्पल, औरत मर गई दूसरा निका, मगर माँ मर गई दूसरी माँ आएगी। इसलिए मेरे बेटो है नौजवानों, बीवी को खुश रखते हो वही माँ को खुश रखो, बीवी खुश रहेगी तुम्हारा घर भर।